एवरीवन, हम आए हैं निमराना फोर्ट। मैं आपको हाउस टूर दिखाऊंगी थोड़ी देर में, और उसके बाद हम सारे फोर्ट का टूर करेंगे। पहुंचे थे यहाँ पर लगभग 2 बजे, और थोड़ी देर में हम लंच करने जाएंगे। 4 बजे यहाँ पर टी और कुकीज़ दी जाती है, और फिर हमें यहाँ पर गाइडेड टूर भी मिलेगा। तो चलते हैं मेरे साथ टूर पे। सफ़र की शुरुआत करते हैं इस राजशाही महल के एंट्रेंस से। दिल्ली से आने में हमें लगभग 3 घंटे लग गए। मैप की हेल्प से आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पार्किंग की काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, तो अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। पहली नज़र में तो आई जस्ट फेल इन लव विद दिस प्लेस, और देख कर ज़रूर ही राजा महाराजा वाली फीलिंग आने लगी। तो हम चलते हैं रिसेप्शन की तरफ। गेट एंट्री पे लगे बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि रूम स्टे के साथ साथ यहाँ जिपलाइन टूर की भी फैसिलिटी है। बट आफ्टर माय एक्सपीरियंस मैं तो यही कहूँगी कि एक रात आप ज़रूर यहाँ स्पेंड करें और जिपलाइन भी करें। मैंने पहले से ही रूम की बुकिंग कर रखी थी। हमने कैलाश और अंबर बुर्ज बुकिंग किए थे। बुकिंग करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। एंटर करते ही हम सभी का टेम्परेचर चेक हुआ, एंड देन हमारा स्वागत किया गया। आगे बढ़ते हुए और चारों तरफ देखते हुए हम रिसेप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। होटल के स्टाफ काफ़ी हम्बल है, एंड दे विल वेलकम यू विद फोल्डेड हैंड्स। अगर आप अभी विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ कैरी स्पेयर मास्क एंड फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। चेक इन करके हम अपने रूम की तरफ बढ़े। बाहर से ही चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था, आप लोग भी ये देख सकते हैं। वैसे यहाँ लिफ्ट भी अवेलेबल है, बट वॉकिंग इज बेस्ट ऑप्शन। रिसेप्शन से रूम तक आने में मैं तो थक गई और आराम करने लगी, पर ऐसे थकान इस व्यू के लिए वर्थ इट है। वेलकम टू द अंबर बुर्ज रूम टूर। रूम एंटर करते ही आप सबसे पहले रूम की मैजेस्टिक लुक नोटिस करेंगे। रूम के सेंटर में डबल बेड विथ लैम्प शेड्स हैं, और रूम के चारों तरफ फर्नीचर और रूम डेकोरेशन है। साथ में ही टी, कॉफी एंड केटल भी प्रोवाइड किया गया है। रूम का आर्किटेक्चर बिल्कुल ही हिस्टोरिक लगता है। विंडोज एंड डोर्स इसमें बाद में ऐड किए गए हैं। काफ़ी ऑथेंटिक लुक वाले टेबल्स एंड चेयर्स लगे हुए हैं, और रूम के दोनों तरफ बाथरूम और वॉशरूम है। रूम काफ़ी स्पेशियस है और सिटिंग स्पेस भी है। वैसे इस रूम की प्राइस 12,800 पर नाइट है। सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ यानी एसी और रूम हीटर भी अवेलेबल है। वॉशरूम में आपको हेयर ड्रायर भी मिल जाएगा, लेकिन रूम में एक सबसे खास बात मुझे ये लैंप और रॉकिंग चेयर लगी। इस पर बैठकर काफी हॉरर मूवीज वाली फीलिंग आ रही थी विथ ऑल लाइट्स ऑफ। वैसे इस ठंड के मौसम में रूम हीटर भी अवेलेबल था। रूम का कलर इसके नाम पे, जो कि अंबर बुर्ज है, वैसा ही स्काई ब्लू कलर का था। ये एक व्यू मिरर कम कबर्ड है जिसमें सेफ की भी सुविधा है। रूम में लगे वॉल पेंटिंग्स एंड कर्टन भी रूम के नाम पर पूरी तरह मैच करते हैं। ओवरऑल रूम टूर में आई विल गिव 5 stars टू इट। रूम पे थोड़ी देर आराम करने के बाद थोड़ी पेट पूजा भी कर ली जाए। तो चलते हैं हम जलगिरी महल की तरफ, जहाँ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सर्व होता है। यहाँ आप चाहे तो 1200 पर पर्सन के हिसाब से बफे लंच भी कर सकते हैं, या फिर सेपरेट डिशेस भी ऑर्डर कर सकते हैं।
मैंने तो सारे डिशेस ट्राई किए और खाना मेरी एक्सपेक्टेशन पे पूरी तरह खड़ा उतरा। फूड वॉज रियली टेस्टी विथ मैनी वेराइटीज। चिकन एंड पनीर दोनों के डिशेस काफी अच्छे थे, तो आप लोग जरूर ट्राई करना। लंच के साथ साथ चाय, कॉफी, डेजर्ट सब कुछ अवेलेबल है, तो आपका पेट भर जाएगा बट मन नहीं भरेगा। जलगिरी महल की भी डेकोरेशन काफी सुंदर और आई कैचिंग थी। होटल के स्टाफ भी काफी अच्छे थे। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है ruby_sing। लंच खत्म करके अब हम अपनी सैर सपाटे की ओर रुक करते हैं, तो आप बस मुझे फॉलो करो और व्यूज को एंजॉय करो। कौन सा था, नीचे पिलर थे? पिलर छोटे होते हैं सब पे। अच्छा, ये इसको बोलते पंचमहल, यहाँ दरबार लगता था, तो महारानी जी यहीं से देखते थे। ये महारानी जी का रूम था और उनके रूम के लिए इंट्रेंस ये था। जो ये पेंटिंग देख रही है, ये पुरानी है, बहुत पुरानी है। इसको बोलते हैं होली कुंड। इसमें वो लोग रंग भर के होली वगैरह खेलते थे, तो ये स्पेशल होली के लिए, यहाँ पे होली खेली जाती है। इसको बोलते हैं आम खास। यहाँ पे उनकी बड़ी सभा होती थी और यहाँ पे जैसे मेजर साहब पिक्चर दिल से किला इनकी शूटिंग भी हुई है। जो मेजर साहब पिक्चर है जिसमें लास्ट में शादी वगैरह होती है अमिताभ बच्चन की, वो यहीं पे होती है। और एक जो दिल से है शाहरुख खान की, उसकी भी काफ़ी शूटिंग हुई। एक किला पिक्चर है दिलीप कुमार रेखा जी, उसकी भी काफ़ी शूटिंग। जब यहाँ से महाराजा साहब छोड़ के गए तो वो मूर्ति भी अपना वहाँ पे ले गए। एक छोटा विजय बाग के नाम से है नीचे मार्केट में, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, तो उन्होंने अपना वहीं पे स्थापना कर ली। ये जो फिर बाद में जो हमारे ओनर हैं उन्होंने रखा है। इस जगह को बोलते हैं मनी महल। इसलिए बोलते हैं इस यहाँ पे जो नवरत्न होते हैं उनके नाम पे रखा हुआ है। हीरा, मुंगा, मोती, नीलम, केसर, यहाँ पे नौ रूम है, वो सब उनके नाम पे रखा हुआ है।
सबसे पुराना पार्ट है। हाँ जी हाँ, ये सब अभी 5 से 6 चाय कॉफी होगी हवा महल में, 7 से 8 वहीं पे राजस्थानी म्यूजिक सॉन्ग होगा, 8 से 10 यहीं पे डिनर होगा इसी के नीचे, जलगिरी होल है, सुबह ब्रेकफास्ट इसी के नीचे जो जलगिरी है इसी में होगा। अभी 5 से 6 हवा महल में चाय कॉफी, ये पूरा नया है, नीचे एमपी क्षेत्र से ये पूरा नया है, इसकी कोई पूरा नया तो अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने, स्नैक्स खाने और चाय पीने, ये रूम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ हवा महल। दिन भर की थकान के बाद चाय या कॉफी की चुस्की का मजा ही कुछ और होता है। हवा महल में इवनिंग टी विद सॉफ्ट एंड स्वीट कुकीज का मजा ही कुछ और था। आप चाहें तो अंदर बैठकर या फिर छत पे भी जाकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की का आनंद ले सकते हैं। अपने टूर पे आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं ओपन थिएटर के पास, जहां पे काफी सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं। अनलकीली इस टाइम पे कुछ नहीं ऑर्गेनाइज हुआ था, बट इट इज अ गुड प्लेस फॉर फोटो शूटिंग। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट अ सिंगल लोकेशन फॉर फोटो शूट, हर लोकेशन पे आपको अच्छे व्यूज मिल जाएंगे।
आपने मेरे साथ इस जगह को अभी तक नेचुरल लाइट में ही देखा है, बट मैं भरोसा देती हूँ कि जस्ट लाइक मी आप भी इसे अंडर आर्टिफिशियल लाइट देखकर मंत्रमुग्ध हो जाओगे। इट इज वेरी ब्यूटिफुल एंड एट दिस मंथ ऑफ ईयर इट इज रियली वेरी सूदिंग टू आईज एज वेल एज हार्ट। रात की ठंड और खामोशी में थोड़ा रिलैक्स होने के बाद अब मैं सोने चली गई और नेक्स्ट डे मिलती हूँ आपसे एट ब्रेकफास्ट। सुबह के 8:30 बजे और हम जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने। आप पीछे जो रूम देखते हैं देख रहे हैं वहाँ ब्रेकफास्ट करना है। नई सुबह और हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। दिन की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से करना बहुत जरूरी है और वैसा ही यहाँ मिला जो कि रूम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, तो डू नॉट मिस ऑन दैट। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने जिप लाइनिंग भी किया जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इसका एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगी, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएँ। थैंक यू।